फ्रेंड्स, अभी हमें मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे जहाँ पे बन रहा है एशिया का सबसे लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और ये है कटनी का मुड़वारा स्टेशन। यहाँ पे डेक स्लैब का काम चल रहा है, जैसा कि सामने डाटा एरेक्शन हो चुका है और डेक स्लैब की तैयारी चल रही है। ये एशिया का सबसे लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज होने वाला है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है करीब 35 किलोमीटर होने वाली है टोटल। और ये है अपलाइन और इसके अपोजिट साइड है डाउन लाइन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक है, ट्रैक के उस साइड है डाउन लाइन। इधर से ट्रेनें जाएंगी, उधर से ट्रेनें वापस आएंगी। और ये है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके यहाँ पे अभी हम हैं, ये है प्लेटफॉर्म और ये है फ्लाई ओवर। और इसके नीचे जाता है नॉर्मल ट्रैक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से। और इसके इस ट्रैक के नीचे है सागर पुल, तो और इसके बीच से जाना है ये ट्रैक, और जो आपको सामने दिख रहा है फ्लाई ओवर, उसके बीच से जाना है KGS प्रोजेक्ट का ये ब्रिज जो जा रहा है, आपको दिख रहा है सामने। इसका काम कर रही है LNT जियो स्ट्रक्चर, जिस ट्रेन को जॉब वगैरह की ज़रूरत हो आ सकता है। और इसका मेन क्लाइंट इरकॉन है। ये है मुड़वारा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5। अभी यहाँ पे काम चल रहा है और LNT का मेन ऑफिस है NKJ पहाड़िया में। और जो इरकॉन है इसका मेन क्लाइंट है, इसका ऑफिस है जिंजरी में, सुम मोटर्स सुजुकी के फर्स्ट फ्लोर में। जिस ट्रेन को जाओगे की जरूरत हो आ सकता है। और अभी यहाँ करीब अपलाइन का काम करीब 60-70% कम्प्लीट हो चुका है और डाउन लाइन का अभी पूरा काम बाकी है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, जो ट्रेन दिख रहा है, ट्रेन के ऊपर छोटा सा पियर दिख रहा है, अभी वहाँ पियर हुए हैं और वही पियर कैप हुए हैं। अभी जैक स्लैब होना पूरा बाकी है, उस जगह पे अभी पाइलिंग बाकी है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। और सामने आपको दिख रही है ATS मशीन जो लाइका की है, इसमें सर्वे करने के लिए यूज में ली जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं KGS प्रोजेक्ट करनी, और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस फ्रेंड को जॉब की जरूरत होगा उसके पास ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा।